सो गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज आज एंड यू वाचिंग आज इट फ्रीक। आज हम बात करने वाले हैं इसकी बियर्ड के नीम फेस वॉश की, और इसमें पहले हम बात करेंगे इसके फीचर्स की, फिर इंस्टॉलेशन की अप्लाई करेंगे हम, और उसके बाद हम बात करेंगे इसके रिजल्ट की कि रिजल्ट सही है कि नहीं, वो पता होना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं फीचर्स से हम इसको। तो इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है एलोवेरा, नीम और कैस्ट्रोल ऑयल, जो मदद करते हैं एक्ने रिमूवल में और एक्ने एंड पिंपल्स रिमूवल में जो हेल्प करते हैं। एंड इसके अलावा इसमें और भी कुछ केमिकल्स है जो फ़ायदेमंद है काफ़ी, वो है जैसे कि सोडियम लॉरेल एथर सल्फेट एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर मेन इंग्रेडिएंट्स है इसके कैस्ट्रोल ऑयल, नीम और एलोवेरा, जो एक फेस वॉश में होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम इंस्टॉलेशन की कि इसे अप्लाई कैसे करना है, कितनी देर रखना है और कैसे इसे वॉश करना है। अप्लाई करने से पहले हमें अपने मुंह को गर्म पानी से धो लेना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने फेस को गर्म पानी से धोते हैं तो फिर स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है और पोर्स काफ़ी हद तक खुल चुके होते हैं, जिसकी वजह से हमें इफ़ेक्ट फेस वॉशेस एंड बाकी केमिकल्स का ज़्यादा देखने मिलता है। मैंने अप्लाई कर लिया इसको और अब चलते वॉश करने, और आते हैं फिर वॉश करके। तो वॉश कर लिया है मैंने इसे और देख सकते हैं आप, ये इस तरह दिख रही है मेरी स्किन अभी। और हाँ, तो इसकी जो फ्रेगनेंस है वो काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू हिमालय अदर, काफ़ी बोल्ड और स्वीट तो हिमालय की है, इसको स्वीट नहीं कह सकते, बोल्ड काफ़ी फ्रेगनेंस है इसकी मेल के लिए तो ऑफकोर्स। और उसके बाद जो इसका फोम है वो कंपेयर करें बाकी फेस वॉशेज से तो इसका फोम कम बनने वाला है, उनके जितना नहीं बनता है फोम, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ही सेंसेशन देते हैं, कूलिंग सेंसेशन टाइप टिकलिंग टाइप होती है। और उसके बाद जब वॉश करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग भी लगता है फेस पे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। और बात करें रिजल्ट्स की तो रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, अभी इतना जल्दी कुछ रिज़ल्ट आएगा नहीं, मैं इसको वैसे बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ तो इसके रिज़ल्ट तो काफ़ी अच्छे रहते हैं। एक्ने रिमूवल में काफ़ी काम आता है एंड जो डार्क स्पॉट्स हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा कम कर देता है काफ़ी ज़्यादा हद तक। और नहीं तो फिर इसका आप स्क्रब भी ट्राई कर सकते हैं, नीम का स्क्रब भी आता है, अगर अच्छा लगे तो मैं उसका भी कर दूंगा फिर रिव्यू। और ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना।